दोस्तों मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ये जो मैंने कुजिया लगाई हुई है ना डेकोरेशन के लिए, ये लगी हुई है एक, मैंने ये लगाई है और एक मैंने वो वहाँ पे पड़ी हुई है, इसको भी हम यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट वगैरह कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इनकी खूबसूरती के लिए ना यहाँ पे भी इतनी इतनी मिट्टी डाल दी जाए और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा पौधा एक लगे। तो क्या ख्याल है आप लोगों का भी? अगर आपको ये सही लग रहा है तो मुझे कमेंट्स वगैरह में जो है वो बताएं, खूबसूरती के लिए होगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शावेज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का व्लॉग शुरू होता है यहाँ से। दोस्तों ये वाला पौधा जो जब मैं लेकर आया था ना, तो ये वाला पौधा यहाँ तक था और अब इतना माशाल्लाह उगा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से ये सारे जो पौधे हैं ना वो बहुत ज़्यादा खिल चुके हैं। ये वाला पौधा भी माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ा हो जाता है। ये वाला पौधा अभी इतना छोटा सा है ना, ये यहाँ तक चला जाएगा, इधर तक तो आ ही जाएगा। नहीं यहाँ तक तो नहीं जाएगा। क्यों शाहजेब है ना, क्या खा रहे हो? मुझे भी दो बिस्किट खा रहे हो, चलो खा लो, आपको भी खा लो। दोस्तों मौसम देखिए कितना ही प्यारा हो रहा है और वो देखिए वहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है। और आपको एक आज बैड न्यूज़ भी देनी है, और बैड न्यूज़ ही है आज तो, और दो दो बैड न्यूज़ हैं अभी आपको मैं बताऊँगा। मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रहा है। फिलहाल हमने इनको खोला हुआ, इनको पानी छानी दे दिया, हमने डक्स वगैरह दे दी हैं। ये जो कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारा जो जादू था तो यहाँ पे होता था लेकिन है ही नहीं है। जब मैं आया हूँ तो ऊपर आया हूँ तो ये खुला हुआ था, किसी बच्चे ने खोला होगा, पूछा मैंने किसी से, कह रहे हैं हमने तो नहीं खोला, लेकिन कैसे करके पता नहीं किस तरीके से वो यहाँ से उड़ा जादू, ब्लैक कलर का जो था वो, और उसके बाद ना वो उड़ गया। ये बच्चे बता रहा था शाहदेव कहाँ बैठा था, वो वहाँ पे जाके बैठा हुआ था, सामने बिल्कुल सामने बैठा था। और उसके बाद जब मैं ऊपर आया हूँ ना आधे को घंटे बाद, तो चीलें वगैरह उड़ रही थी ऊपर। चीलें यहाँ पे मैंने आपको दिखाई होंगी पहले, यहाँ पे चीलें वगैरह होती थी, चीलें उड़ रही थी उसके साथ साथ, तो मुझे लगता है वो खा गया होगा। एक बैड न्यूज़ तो ये है माशाल्लाह हमारा उस वो मतलब वो ना घर घरेलू टाइप सा हो गया था और यहाँ पर अब ये खाली जगह रह गई है इनकी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अब ये भी नहीं कि वो वापस आ जाए, उसको वापस आ जाना चाहिए था क्योंकि उसको उस घर का पता था, लेकिन ये हो सकता है कि उनको उसने खा लिया हो उनकी चीलों ने। ये मैडी है और वो शेडी है, इन दोनों को भी मैंने खाना दे दिया हुआ था। ये देखें चावल पड़े होंगे यहाँ पे भी, मैंने उनको दोनों को चावल दिए हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहे हैं वैसे। लेकिन कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये लोग जो है ना वो ब्रीड क्यों नहीं कर रहे, कर लिए तो बच्चे क्यों नहीं दे रहे। लेकिन इनको भी एक महीना हो गया मेरे हिसाब से, नहीं आधा महीना हुआ होगा। क्यों डकू, एक महीना आधा महीना हुआ है? ओ कुछ भी नहीं कर रहा मैं, क्या हो गया, भाग क्यों रहे हो, खेल रहे हैं। अच्छा दोस्तों आपको मैंने एक चीज़ बतानी थी, यहाँ पे रखने के लिए जो चिक्स वगैरह लेकर आनी थी ना, मैंने कहा हुआ है अंकल को, वो कह रहे हैं 2-3 दिन तक जो है ना वो चिक्स वगैरह आ जाएंगी हमारी। तो यहाँ पे जो ये वाला खुड्डा है ना, ये वाला पूरा खुड्डा हमने भर देना है, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अब 1-2 दिन बस आपको वेट करना पड़ेगा और वो जो व्लॉग आएगा ना, अब ये इस व्लॉग के बाद जो व्लॉग आएगा वो 1-2 दिन बाद ही आएगा, जब चिक्स आ जाएंगे तो उन्हीं का व्लॉग आएगा, ठीक है। उड़ रही हैं चिड़ियाँ वगैरह। अब आपको एक और बैड न्यूज़ अभी दूंगा थोड़ी देर तक, वो बैड न्यूज़ भी बहुत दिल तोड़ने वाली बैड न्यूज़ है। फिलहाल जो है ना, अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। क्यों भाई? हाँ शेडी कर दें लाइक सब्सक्राइब शेयर, क्या खाए जा रहे हो? ओए कुछ भी नहीं कर रहा मैं, एक तो डरते ही बढ़ रहे हैं यार। मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, कुछ कहा है मैंने? नहीं ना कुछ कहा, ना तुम ब्रीड कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, सिर्फ बिला वजह हमने तुम्हें रखा हुआ है। अब तुमने नाना की एक महीने के अंदर तो तुम्हें मैंने फेंक देना वापस, ओके। तो दोस्तों ये डक्स ने भी अंडा देना बंद कर दिया, आज भी नहीं इसने अंडा दिया, मैंने आज भी अंडे को खुडे के अंदर देखा लेकिन इसने अंडा नहीं दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, सफ़ेद बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ मैं इसको ना अलग कर दूँ, किसी खुडे में कर दूँ, ताकि मुझे लग रहा है कि अंडे देने बंद कर दिए तो शायद हो सकता है, 4 अंडे दिए थे इसके नीचे रखे तो हो सकता है ये बैठ जाए और बच्चे वगैरह दे ले, क्योंकि मौसम भी अभी मानसून की बारिशें हो रही हैं, ये महीना दो एक मतलब 1-2 हफ्ता तो रहेंगी ना। तो अभी अगर आप मुझे बता सकते हैं कि इस मौसम में इनको बिठाना सही होगा, मुझे लग रहा है क्योंकि ये कुड़क हो चुकी है, तो मुझे आप कमेंट्स में बता देंगे इनके नीचे अंडे रखें या ना रखें, तो इंशाल्लाह ताला वो भी अगले व्लॉग में जो हम रख देंगे, क्योंकि मैंने इनके कुड्डे के अंदर देखा था तो इन्होंने अंडा वगैरह, मुझे यहाँ से तो नज़र कोई नहीं आ रहा, इन्होंने नहीं दिया हुआ बकाया, इनके कुड्डे में से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। हाँ अच्छा मैं आपको एक देनी थी बैड न्यूज़, और वो बैड न्यूज़ बोला क्या है, आपको मैंने दिखाया था ना पिछले व्लॉग में कि वहाँ पे एक चिड़िया मरी हुई थी, जो जंगली चिड़ियाँ उड़ती हैं यहाँ पे इस तरह की, वो हम यहाँ पे आके हमारे खाना वगैरह खाती है ना, मैं उनको खाना वगैरह डालता था, अभी शाम को डालूंगा तो आएंगी, अभी देखना। और उसके बाद एक और बैड न्यूज़ है, आज एक और दोबारा एक चिड़िया मर चुकी है और वो ये रही माँ,
बहुत सैड न्यूज़ है ये। ये देखें ये चिड़िया जो जंगली उड़ रही होती हैं, ये वो चिड़िया है और ये मर चुकी है। ये देखें कैसे दिखाऊं आपको, ये देखें ये किसी बच्चे ने यहाँ पे रख के इसको रैपर में रख दिया ताकि इसको कीड़े ना पड़े, इसको हम दफना देंगे। कल वाली जो चिड़िया थी वो तो बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आ रही कि खा कैसे, मतलब ये मर कैसे रही है, दूसरी चिड़िया मर चुकी है यहाँ पे। ये देखें पहले तो दोस्तों यहाँ पे चिड़ियाँ आती ही नहीं थी, लेकिन जब से हमने परिंदे वगैरह रखे हैं तो उनको देखा देखी यहाँ पे आती हैं और बाजरा वगैरह खाती हैं, चुनती हैं। ठीक है, एक तो मुझे ये बड़ा दुख हो रहा है कि हमारा जो इतना प्यारा जादू था दोस्तों, वो जो है वो क्या कहते हैं उड़ चुका है यहाँ पे, बेचारा दिख भी नहीं ना रहा। ये देखो ना वो जो चील है, इन्होंने कहीं चीड़ फाड़ दिया होना उसे अभी तक। और एक ये दूसरी चिड़िया मर चुकी है बेचारी है। मुझे ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। अभी इनको इनसे पूछते हैं कि वो जादू वगैरह कहाँ, तुमने उन्हें नहीं देखा था जादू वगैरह हैं? नहीं। बताओ ना जादू उड़ा कैसे था? हाँ सर, ये सरमत था तब पास जब हमारा जादू उड़ा। सरमत कैसे उड़ा जादू? बत्तख से डर गया वो। अरे यार बत्तखों से तो पहले डरता ही नहीं था, बताएंगे तो कुछ कहते ही नहीं है उसे। नहीं, वो जब भी महीना दो महीना हमारे पास रहा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई दिख भी नहीं रहा कि किसी ने पकड़ लिया या कुछ कर दिया है। नहीं दिख रहा यार, कहीं भी नहीं दिख रहा है, अब तो दिखना भी नहीं है। और ये चिड़िया देखो ये कैसे मरी थी, ये पकड़ो जरा इसे, पकड़ो इसे चिड़िया को। ये पता नहीं इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, शायद चील हमला कर देती है, क्या कर देती है समझ से बाहर है। दिखाओ इधर, इनको दिखाओ ना पहले, हमारे व्यूवर्स को दिखाओ। ये देखें गाइस, यार सीधा करो इसे, सीधा इधर रखो, इधर रखो, नीचे रखो। इसके पंखों को नहीं हुआ, सही सलामत देखो है। बिल्कुल सही सलामत है। अगर पूरे पंख हैं इसके, पूरे हमला भी किया होता तो। ये देखो पूरे पंख हैं इसके, पूरे पंख उड़ने वाली है ये। हाय हाय, उड़ने वाली। फिलहाल इसको भी दफना देते हैं। मैंने सुहेब से कहा कि इस चिड़िया को जो है ना वहाँ पे कहीं पे दफना दे मिट्टी में, पता नहीं क्या वजह है। देखो ना कितनी ज्यादा फिर रही होती है, यहाँ पे बादल आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं। बकाया यार, अच्छा मैंने आपको इस व्लॉग में ये बताना था कि ना वो कहाँ से चली गई हैं। ये देखें, ए इधर आ, बाहर निकलो, बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ। खरगोश किधर गए? वो खरगोश वो रेल है, उनके गुड्डे में वो हैं, वो खरगोश वहाँ पे, वो देखो वो बैठे हुए हैं, ये उधर चले जाते हैं। इनको शायद ठंड वगैरह फील होती है वहाँ पे। बकाया मैंने आज के व्लॉग तो यार ये बहुत सैड न्यूज़ थी कि हमारी दोनों वो चीज़ें भी जो है, चिड़िया वगैरह भी और एक हमारा जादू, सबसे बड़ा मेरा नुकसान वो हुआ है कि हमारा जादू था वो था, रह भी कल्ला गया था, कल यहाँ रह गया वाला हिसाब था उसका। फिलहाल यहाँ के लिए हम अब एक दो दिन आपको वेट करना पड़ेगा। मैं आज लेने के लिए फिर गया था लेकिन फार्म हाउस बंद था उनका, कह रहे हैं एक दो दिन तक खोलेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग आएगा। और इसके अलावा मुझे बहुत दुख है, अगर आपको दुख है तो आप भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। फिलहाल मुझे ये बताएं कि मैं इन डक्स को जो है वो इसको अलग कर दूं कि नहीं कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शायद कुड़क हो चुकी है। क्यों भाई अभी ऐसे ही है ना, है ना? तो फिलहाल मौसम जो है बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करता हूँ। ये व्लॉग एडिट करके मैं आपको शाम तक अपलोड कर दूंगा। अगर आपने देख लिया व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तुम अंदर क्यों चली गई हो, बाहर आओ, क्या किधर ज़्यादा शौक है खुडे में जाने का? ना 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 छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो, तंग ना करो तंग ना करो बेचारों को। तुम भी आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ वहाँ, बताओ उसको 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 शिकायत लगाओ कि इन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। क्यों भाई शेड्डी, तुम्हारे घर आ रहे हैं, वो तो अपनी रखवाली नहीं कर सकते, तुम्हारी बीवी तो क्या सोचेगी। और तुम भी बाहर आ जाओ, अपने खुट्टे में रहा करो तुम लोग। इतने प्यारे लग रहे हैं एक साथ चलते हुए।